आज का इतिहास एक राष्ट्रपति की हत्या से जुड़ा है। 29 मई 1981 का दिन था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान का चटगांव जाने का प्रोग्राम बना। इसके चार दिन पहले उन्होंने चटगांव के जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद अबुल मंजूर का तबादला कर दिया था और साथ ही आदेश दिया था कि उन्हें लेने जनरल मंजूर एयरपोर्ट पर नहीं आए। मंजूर उस इलाके के सबसे बड़े सैनिक अफसर थे। राष्ट्रपति के इन दोनों फैसलों से वे नाराज थे। सुरक्षा बलों को मंजूर की नाराजगी की भनक लग चुकी थी। सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति को चटगांव जाने का कार्यक्रम टालने का आग्रह किया, लेकिन जिया नहीं माने और वो चटगांव पहुंच गए। 30 मई की अल सुबह करीब 3:30 बजे हमलावर सर्किट हाउस की तरफ रवाना हुए। यहीं पर राष्ट्रपति जिया ठहरे हुए थे। अंदर घुसते ही हमलावरों ने रेंग रॉकेट से सर्किट हाउस पर हमला किया। इसके बाद ग्रेनेड, मशीन गन और रॉकेट से हमले होने लगे। इसी बीच राष्ट्रपति जिया एक कमरे से निकलकर बाहर आए और हमलावरों से बांग्ला भाषा में पूछा, तुम क्या चाहते हो? तभी एक हमलावर ने मशीन गन से जिया पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। जियाउर रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ 20 मिनटों में ही बांग्लादेश के एक सैनिक राष्ट्रपति को उनकी ही सेना के जवानों ने मार गिराया। शेख मुजीब उर रहमान के बाद जियाउर रहमान दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हुई। इतिहास का दूसरा अंश ब्रा से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन 1889 में पेरिस फैशन शो में फ्रांस की हर्मनी कैडल ने आधुनिक ब्रा पेश की। इसके पहले महिलाएं कॉर्सेट पहनती थीं। इनमें नरम लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता था जिसे पीछे कमर पर कई सारी डोरियों से बांधा जाता था। पेरिस फैशन शो में कैडल ने कॉर्सेट को दो पीस में बांट दिया और इस तरह मॉडर्न ब्रा की शुरुआत हुई। 1914 में न्यूयॉर्क की मेरी फेल्प्स ने दो रुमाल और एक रिबन की मदद से ब्रा बनाई। उन्होंने इसका पेटेंट भी हासिल किया और इसे बैकलेस ब्रा कहा गया। ये हल्की, नरम और ज्यादा कंफर्टेबल थी। उसके बाद जरूरतों और कंफर्ट के अनुसार ब्रा में कई बदलाव होते चले गए। दुनिया में पहली बार कोई सड़क हादसा भी आज ही के दिन हुआ था। बात 30 मई 1896 की है। इसी दिन इतिहास का पहला ऑटोमोबाइल व्हीकल सड़क हादसा हुआ था। एक तरफ न्यूयॉर्क के हेनरी वेल्स अपनी गाड़ी लेकर घर से निकले तो दूसरी तरफ एबलिंग थॉमस अपनी साइकिल लेकर घर से निकली। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनके साथ एक दुर्घटना होने वाली है जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। हेनरी की गाड़ी बेकाबू हो गई और सामने से आ रही थॉमस की साइकिल से जा टकराई। इस टक्कर में थॉमस का पैर फ्रैक्चर हो गया था। आज का इतिहास भारत में पत्रकारिता के उदय से भी जुड़ा हुआ है। 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। 8 पेज का ये अखबार हर मंगलवार को निकलता था। कानपुर में जन्मे और पेशे से वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मुखर होकर लिखता था। इसी वजह से अखबार कंपनी सरकार की आंखों में खटकने लगी और सरकार ने अखबार के प्रकाशन में कानूनी अड़ंगे लगाना शुरू कर दिया। कंपनी को सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक वगैरह की सुविधा दे रखी थी, लेकिन उदंत मार्तंड को ये सुविधा नहीं मिली। आखिरकार आर्थिक परेशानियों और कानूनी अड़ंगों के बाद 19 दिसंबर 1827 को सिर्फ 19 महीनों के बाद ही अखबार को बंद करना पड़ा।